Good morning class, I am your SST teacher of class 6th. Today we will start new chapter which is chapter number 6 of history, early states on page number 92, open page 92. Let's start the chapter. The history of India from 600 BC to 400 BC is clear. जो इंडिया की हिस्ट्री है वो क्या है 600 BC से 400 BC तक क्या है क्लियर है मतलब साफ साफ है. This is the मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड है क्या है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीरियड है अगर हम देखें पूरी इंडिया की हिस्ट्री में. द वेदास पुराणास एंड अरण्यकास ऑल्सो गेव यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड. जो वेदास थे और पुराणास थे और क्या थे अरण्यकास उन्होंने क्या दी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है उनसे किसके बारे में उस पीरियड की हिस्ट्री के बारे में कि उस वक्त क्या कैसे था. जो जैन और बुद्धिस्ट थे उनके टेक्स्ट जो थे वो 3 times थ्रो एनफ लाइट ऑन द पीपल. उन उसमें क्या बताया है कि जो वहाँ के जो एक लोग थे वो कैसे रहते थे और जो जनपदास टू महाजनपदास कैसे फॉर्मेशन हुआ कैसे इन्फॉर्मेशन उस मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ के बारे में मिली है. अब जनपदास और महाजनपदास क्या है तो जो वर्ड जनपदास है उसका मतलब क्या है स्टेट या फिर टेरिटोरियल यूनिट जो कि बहुत सारे विलेज से मिलाकर बनी है. सैवरल जनपदास मतलब बहुत जनपदास एक दूसरे से मिला के क्या बनते हैं महाजनपदास. दीज महाजनपदास ये क्या है ये महाजनपदास होते हैं छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं. और जो बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर थे वो क्या बताते हैं मतलब जो बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर थे वो कब किस पीरियड में थे 600 पीरियड के लगभग उतने थे. और जो नॉर्दर्न इंडिया था वो कितने स्टेट्स किंगडम्स में रहा था 16 किंगडम्स में डिवाइडेड था जो कि जिन्हें हम क्या कहते हैं महाजनपदास जिसमें कि क्या था मगध कोसाला वस्ता एंड अवंतरास वर वेरी पावरफुल. जिसमें कि मगध और कोसाला वस्ता और अवंतरास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी. विजी और ब्रिजी वॉज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडरेसी. देर आर अब 16 महाजनपदास जो थे वो थे पहला अंगा मगध काशी कोसाला ब्रिजी मल्ला चेड़ी वास्ता कुरु पंचाला मत्स्य सुरुसेना असापा अवंती गंधरा एंड कंबोजा. ये सब क्या थे 16 महाजनपदास थे 16 सेंचुरी में. नाउ रिपब्लिक्स इन इंडिया देर आर बिग एज वेल एज स्मॉल रिपब्लिक्स. वहाँ कहते हैं छोटे छोटे लोग मतलब कुछ ऐसा एरिया था जहाँ छोटे लोग थे कुछ में बड़े मतलब काफ़ी अमाउंट में लोग रहते थे. विच इज सप्याज ऑफ कपिलवस्तु कुछ सप्याज थे कपिलवस्तु के कलियास ऑफ रामाग्रामा और कलियास थे कहाँ के रामग्राम के और लिचनवीज ऑफ वैशाली के जगह का नाम है लिचनवीज वहाँ के वैशाली के रहने वाले थे. इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट एंड मेन फीचर्स ऑफ द पीरियड. अब उस पीरियड में क्या क्या डेवलप हुआ और क्या क्या मेन फीचर्स थे तो पहला है पोजीशन ऑफ द किंग. किंग की पोजीशन क्या थी उस पीरियड के दौरान किंग क्या था एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे था मतलब पूरा उसे ही माना जाता था. उसके पास क्या थे काफ़ी पावर्स थी और भगवान के समान माना जाता था कौन किंग उस समय. ही वॉज प्रोटेक्टर ऑफ द वो क्या था अपनी सोसाइटी और अपने रिलीजन को बचाता था. इन ऑल द मैटर्स ऑफ स्टेट कुछ भी दिक्कत होती है किसी भी मैटर में स्टेट के जो भी रूल बनते थे वो किसके द्वारा बनते थे किंग के द्वारा ही वो ही बनाता था जिससे कि सबका वेलफेयर हो सके. बींग द मोस्ट पावरफुल अब बहुत पावरफुल पर्सन था एम्पायर का तो उसने क्या किया रिप्रेजेंटेड द स्टेट उसने एक अपनी स्टेट बना ली एक अपना स्टेट रिप्रेजेंट किया. सो ही मेंटेन अपनी उन्होंने एक आर्मी अच्छे से बना ली और जो टैक्सेस थे वो लोगों से कलेक्ट करना शुरू कर दिया. अब जो टैक्सेस जो किंग के पास थे वो किसमें खर्च हुए मतलब उस अपने किंगडम को अच्छा बनाने के लिए टैक्सेस लिए थे तो टैक्सेस हुए आर्मी अच्छी ली उन्होंने पेमेंट्स जो सैलरीज थे ऑफिसर्स को उनको दिया बिल्डिंग रोड्स वगैरह वेल्स कैनाल्स और कुछ सपोर्टिंग ब्राह्मणास के लिए उन्होंने ये सब काम करवाए. इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी उस वक्त जो एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग तब का मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का जो कॉर्न कॉटन शुगर केन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादातर वहाँ के लोग ग्रो करते थे. और जो ट्रेड और कॉमर्स मतलब व्यापार वगैरह लोग सही चलाते थे मतलब कुछ लोग उसको काम को भी करते थे. द कंट्री हैड ब्रिस्क ट्रेड ब्रिस्क मतलब तेज
तो कंप्यूटर के पास काफ़ी अच्छे से दूर दूर दूसरी दूसरी कंट्री से काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, जिससे कि जो इंपोर्ट होता था सामान का वो अच्छे से हो सके और अच्छी उन्हें कमाई मिल सके। ट्रेड बाय सी जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था सी रूट्स के थ्रू, वो भी पॉपुलर हो गया। एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट्स बीइंग ब्रिगु जो ब्रिगु कच्छ एंड सोप्रापा। कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स में ट्रेड अच्छा हुआ जो जैसे कि ब्रिगु कच्छ एंड सोप्रापा। वहाँ तब रिलीजन क्या मानते थे लोग, वैदिक रिलीजन केम टू बी नोन एज ब्राह्मणेस। तब क्या था, वैदिक रिलीजन था जिसको भी क्या बना दिया, ब्राह्मणेस बना दिया। ब्राह्मण्स जो थे वो अपने रिलीजन को डोमिनेट करने लग गए और अपने खुद के रीति रिवाज वगैरह बनाने लग गए। द वेदास कुड नॉट बी अंडरस्टूड बाई कॉमन मैन। जो वेदास था वो नॉर्मल जो इंसान थे उनसे थोड़ा अलग थे। एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज संस्कृत। क्यों अलग थे, क्योंकि जो उनका बोलने का तरीका था वो क्या था, संस्कृत में था, जो कि आसानी से समझ नहीं आती। बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म प्रोस्पेर साइड बाय साइड। जो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म थी वो साइड साइड से अपना चल रही थी। हिंदूज के अगर हम हिंदूज में देखें तो द ब्राह्मण्स एंजॉयड अ वेरी हाई स्टेट। तो जो सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा मज़े किसने लिए, ब्राह्मण्स ने। क्योंकि जैसे आज भी पंडित 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 को काफ़ी माना जाता है कि पंडित है ये है, तो ऐसे ही उस समय भी ऐसे ही होता था। सोशल कंडीशन द सोसाइटी कंप्रेस फोर वर्णा। उस सोसाइटी में फोर वर्णा थे और नंबर ऑफ जातीज अलग अलग जाति बना दी थी, जिसमें कि अलग अलग लोग के उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उनको उसमें रख दिया गया था उस ग्रुप में। जैसे कि कारपेंट्री कोई कहते हैं ना, अभी भी ऐसे धोबी है, ये भंगी है, ये चमहार है, और ये और कहते हैं कि सुनार है। तो ये इसी ऐसी उसमें जाति इसमें उन्हें बनाया गया। हाउएवर ड्यू कोर्स इसमें इस टाइम के अकॉर्डिंग जाति सिस्टम क्या हुआ, एमर्ज हो गया और बिकेम रिजिड, और वो सब में ही मतलब पॉपुलर हो गया। तो पीपल जो थे वहाँ के वो सिंपल लाइफ जी रहे थे उस टाइम पर। दे वर लिबरल एंड ब्रॉड माइंडेड। वो क्या थे, सिंपल लोग थे, मतलब सबको आज़ादी थी और अपना अपना सोचते थे। दे हैड हाई एथिकल। उनके पास क्या था, छोटी सोच नहीं थी, बड़ी सोच थी कि हमें ऐसा करना है। जिसको अगर सोच अच्छी होगी तो हम क्या करेंगे, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और उस जगह की क्या होगी, ग्रेट प्रोग्रेस होगी। अब उस वक्त टाउन्स क्या थे, तो एज विलेजेस डेवलप्ड इन साइज। अब विलेजेस उसमें अब बन गए, बड़े बड़े हो गए विलेज गाँव, तो किसमें बदल गए, टाउन्स में बदल गए। अब तो टाउन्स में भी क्राफ्ट सेंटर्स हो गए, व्यापार हो गए लोगों के बहुत नए नए। मैनी टाइम्स टू सिक्योर चीप रॉ मटेरियल टू सेल फिनिश गोड्स, आर्टिशंस एंड क्राफ्टमैन केम टुगेदर टू वर्क कलेक्टिवली। कभी कभी क्या होता था, जो चीप रॉ मटेरियल सस्ता रॉ मटेरियल को बेचने के लिए जो आर्टिशंस और क्राफ्ट्समैन थे वो एक साथ अपना काम करते, जिससे कि जो सामान है वो बिक जाए। फिर उन वो जगह बहुत जल्दी किस्में बदल गई, टाउन्स में बदल गई, जैसे उज्जैनी, वैशाली, अयोध्या, कौशंबी, जमरालिप्ति एंड चंपाई कुछ टाउन्स हैं जो कि उस पीरियड में फ्लरिश मतलब बड़े आगे। ट्रेड क्या था, जो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, जो किससे ट्रेडिंग सेंटर किससे कनेक्टेड थे, रोड, मतलब लोग ज़्यादातर रोड से ही जा रहे थे। द बार्टर सिस्टम वॉज फाउंड इनकन्वीनियंट। एक बार्टर सिस्टम था जो कि वहाँ को वहाँ पर चलता था, लेकिन वो सही नहीं था, लोगों को वो सही नहीं लगा। मनी वॉज इंट्रोड्यूस टू ईज द बिजनेस एक्टिविटीज़। क्या अगर हम किसी बिजनेस एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए। द कॉइन्स ऑफ सिल्वर, उस वक्त क्या थे, कॉइन्स थे सिल्वर के और कॉपर के, जो कि एक्सचेंज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया, मतलब एक दूसरे लेना देना हो गया। दिस हैड टू इंक्रीज ट्रेड। इससे क्या हुआ, जो ट्रेड है वो बढ़ा। नेक्स्ट इज मगध। मगध रफली कॉरेस्पॉन्ड्स टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटन एंड गया। मगध क्या है, कहाँ कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में, पटन और गया, जो कि कहाँ है, बिहार में। मगध एमर्ज। मगध में काफ़ी बड़े बड़े महाजनपदास रहे हैं उस पीरियड में। मगध एमर्ज विक्टोरियस। मगध को काफ़ी जीत भी मिली इस किसी भी एक्टिविटी, नॉर्थ इंडिया को किसी से लड़ाई हुई तो मोस्टली मगध की जीत हुई। बिम्बिसार अजातशत्रु एंड महू पद्म नंदा वर द
इम्पोर्टेंट रूलर्स, वहाँ के क्या थे इम्पोर्टेंट रूलर्स थे कौन कौन, बिम्बिसार, अजाशत्रु और महुपद्मा नंदा। बिम्बिसार क्या था, बिम्बिसार स्ट्रेस द नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। बिम्बिसार जो था जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स वगैरह का था उनको देखता था, मतलब जो सही हो रहा है या फिर नई ऑफिशियल्स जो थे। बिम्बिसार कौन थे, बिम्बिसार थे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे, जो कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर नंदा डायनेस्टी को ख़त्म किया और फिर क्या क्या कौन सी डायनेस्टी शुरू हो गई, मौर्य डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो मौर्य डायनेस्टी उन्होंने शुरू कर दी नंदा डायनेस्टी को ख़त्म करके। नेक्स्ट इज द वज्जी कॉन्फेडरेसी, द वज्जीज वर द कॉन्फेडरेशन ऑफ 8 or 9 क्लैंस। उसमें क्या था, जो वज्जीज किससे मिलकर बने थे, 8 or 9 क्लैंस से मिलकर बने थे, ऑफ होम द वेदा हंस एंड लिच्छवीज वर द मोस्ट पावरफुल। जिसमें अभी मैंने पीछे बताया ना, जिसमें वेदा हंस और लिच्छवीज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे इस टाइम में, जो बुद्ध थे बोथ वेदा और जो दोनों ही बहुत ज़्यादा रिपब्लिक थे, मतलब लोगों के पास आज़ादी थी किसी को अपना खुद डिसीजन ले सकें, दे वर द वर्ल्ड्स फर्स्ट डेमोक्रेसीज। तो ये क्या थी, कौन सी वेद ही, विदेहा और लिच्छवीज, इनकी ये सबसे पहले फर्स्ट डेमोक्रेसी है। जो वेदाहा किसके लिए जाना जाता था, उसके 22 किंग, 22 मतलब जो बुद्धिमान किंग्स जो थे उनके वजह से विदेहा जाना जाता था। और इट वॉज ऑल्सो सेंटर ऑफ लर्निंग एंड वेदिक कल्चर, और वहाँ पे जो लोग थे वो क्या सिखाते थे, लर्निंग मतलब नई नई चीज़ें सिखाते थे और वेदिक कल्चर सिखाते थे, उस वेदिक कल्चर में क्या क्या कैसे कैसे होता है। महावीरास फादर वॉज द रूलर ऑफ जनत्रिपा, जो महावीर के फादर थे वो क्या थे, रूलर थे किस, कहाँ के, जनत्रिपा। जो जनत्रिपा के रूलर्स थे वो किसको फॉलो करते थे, बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर कम्प्लीटेड, यू हैव टू रीड इट, दीज आर द एक्सरसाइजेज। इसमें हो नहीं रही हैं बट इनके आंसर आपको वीकली होमवर्क में मिल जाएंगे, और क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में करना है, वो एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है। Thank you class and have a nice day. Goodbye.